हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं Hyundai Venue के बारे में। Hyundai ने धमाल मचा दिया है जब से Venue को लॉन्च करा है और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बॉस बड़ी हलचल मच गई है। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इन ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कोई और मैन्युफैक्चरर ऑफर नहीं कर रहा है। मारुति ब्रेजा तो आपको पेट्रोल में भी उपलब्ध ही नहीं है। इसका ब्लू लिंक टस्किन इन्फोटेनमेंट सिस्टम जो Hyundai बड़े एडवांस फॉर्म में लेके आया है, बड़ा 8 इंच का टस्किन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें आप कार का ब्लू लिंक का Hyundai का ऐप डाउनलोड करके पेयर करके यू कैन इवन रिमोट स्टार्ट द कार थ्रू योर ब्लू लिंक ऐप। कार में आने वाले हैं उससे 1 मिनट पहले आप कार की एयर कंडीशनिंग ऑन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पैसा आपका लगने वाला है इसलिए आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड नो अबाउट Hyundai Venue। नंबर 1, अब देखिए काफी सारे जो बायर्स Hyundai Venue के होंगे वो पॉसिबली हैचबैक कार से कॉम्पैक्ट सेडान कार से अपग्रेड करेंगे और Hyundai Venue का जो पेट्रोल इंजन है इट्स अ टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। अगर आप कोई भी हैचबैक कार या कॉम्पैक्ट सेडान कार से अपग्रेड कर रहे हैं उसमें आता था नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, यानी कार में कोई टर्बोचार्जर नहीं था। तो टर्बो कम्स इन प्लेस सो एज टू एनहेंस द पेप फील द पिकअप फील। लेकिन इसके बारे में जानिए कार के जो आप स्टार्टिंग एंड कार के स्टॉपिंग के बारे में। लेकिन जो कार का टर्बोचार्जर है इट स्पिन्स एट वेरी हाई RPM, 10,000 RPM, 20,000 RPM, इट कैन गो एज हाई एज 1.5 लाख RPMs ऑन हायर स्पीड। तो आप जब भी कार का इंजन स्टार्ट करते हैं कोल्ड स्टार्ट में फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, अगर आप ओवरनाइट स्टैंड कर रहे हैं तो उस केस में यू शुड नॉट रेस एंड लेट द कार आइडल, बिकॉज टर्बो चार्जर को अगर ऑयल सप्लाई नहीं मिलेंगी तो उसके शाफ्ट्स और बियरिंग है उसमें वेयर एंड टियर आ सकता है। एंड द सेम गोज व्हेन यू वांट टू स्टॉप द कार, जब भी आप एक लॉन्ग डिस्टेंस से हाई स्पीड ड्राइव करके कार को स्टॉप करना चाह रहे हैं देन ऑलवेज अगेन अडॉप्ट दिस आइडलिंग रूल। अगर टर्बो देखिए इतना हाई स्पीड से स्पिन करेगा और आपने एकदम से कार डेस्टिनेशन में पहुंच के अपना इंजन आपने शट ऑफ कर दिया तो अगर टर्बो का वो ऑयल सप्लाई बंद हो गया तो उसके शाफ्ट्स एंड बियरिंग का प्री मैच्योर वेयर एंड टियर आ सकता है। तो साहब ये बेस्ट प्रैक्टिस है। टर्बो चार्जर इज समथिंग विच इज एन एक्सपेंसिव कंपोनेंट, 30,000 से 50,000 रुपए के बीच में कॉस्टिंग आती है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये Hyundai इंडिया ही कह रही है कि टर्बो चार्ज कार के अंदर आफ्टर कोल्ड स्टार्ट या और फॉर स्टॉपिंग द कार आफ्टर लॉन्ग डिस्टेंस यू शुड ऑलवेज कीप एन आइडलिंग पार्ट, तो वो जरूरी बात थी। नंबर 2, अब देखिए Hyundai Venue के बात कर लेते हैं स्पेयर टायर के बारे में। जो टॉप एंड मॉडल वेरिएंट है उसमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं विद R215/60, लेकिन जो स्पेयर टायर है वो छोटा है 15 इंच का है R15/195/65। अब इसके बारे में जानिए क्योंकि स्पेयर टायर स्मॉलर है तो एक तो जो कार के आपको टायर्स रोटेट करने हैं यू हैव टू रोटेट ओनली द 4 टायर्स, स्पेयर टायर को आपको छूना नहीं है। जो लोअर वेरिएंट्स हैं उसमें आपको स्पेयर का जो टायर है वो सेम साइज का मिलेगा एज द अवेलेबल टायर, तो उस केस में आप 5 टायर रोटेट कर सकते हैं। जब 5 टायर रोटेट करते हैं तो जो टायर्स का लाइफ होती है वो थोड़ी बेहतर मानी जाती है। एंड नंबर 2, इसके बारे में जानिए जब आप इस स्पेयर टायर को आप यूज करते हैं बिकॉज कार का रेगुलर टायर पंचर हो जाता है तो उस केस में यू हैव टू ड्राइव द कार इन कंट्रोल स्पीड। नंबर 3, अब देखिए Hyundai Venue के टॉप एंड मॉडल वेरिएंट में आपको मिलते हैं ड्यूल फ्रंट साइड एंड कर्टेन एयरबैग। सेफ्टी के मामले में Hyundai ने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि भैया कार लेते ही नई कार लेते ही कार गंदी ना हो जाए उसमें सीट कवर चढ़वा लो। साहब अगर आप Hyundai Venue का टॉप एंड मॉडल वेरिएंट ले रहे हैं ईदर इन पेट्रोल मैनुअल या आप डीजल में ले रहे हैं तो उस केस में कार के जो सीट कवर्स हैं वो ना चढ़वाएं, उसे चढ़वाने से जो कार का एयरबैग का सेंसर है उसमें पॉसिबली इशू आ सकता है, इट मे नॉट deploy at the moment when it's most required, तो वो गलती ना करें। नंबर 4, क्योंकि कार में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ के रूप में बहुत बढ़िया एस्पिरेशनल फीचर मिल रहा है तो कई लोग ऐसा पॉसिबल है कि साहब बच्चों को बोलें भैया बेटे सिर बाहर निकाल लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, या अपनी वाइफ को बोलें enjoy the world I am driving the car, ऐसी गलती ना करें, it can prove to be fatal। अगर आप ऐसी गलती करते हैं it can end up as a thing in which they may have to lose their lives। देखिए इस चीज़ के बारे में जानिए, सडन आप ब्रेकिंग करते हैं और कोई सामने आता है जिन्होंने सिर बाहर निकाल रखा है उनकी नेक पे इम्पैक्ट हो सकता है, सडनली आपको कार का स्टीयरिंग टर्न करना पड़ा, रोड्स हैं बॉस इंडियन रोड पे तो लोग गाय भैंसे को भी छोड़ देते हैं कुछ सामने से आ गया और आपको सडन टर्न करना पड़ा तो उस केस में वो बड़ा मेजर हादसा हो सकता है, तो इस चीज की गलती ना करें। एंड नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए Hyundai Venue का जब भी मैं रिव्यू करूंगा बिकॉज कुछ एक उसमें बातें हैं, लेकिन अभी मैं आपको फर्स्ट एक कट बता रहा हूं आपको। Hyundai Venue को आप
टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लेना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट एक बार मेरा आपको रिकमेंडेशन है, डू टेस्ट ड्राइव द कार, बिकॉज टर्बोचार्ज जो ये पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा ज़रूर आपको लैग मिलता है. लैग इन द सेंस कि टिल अराउंड 2000 RPM देयर इज नॉट अ फील ऑफ द पिकअप. 2000 RPM के पास कार सजावट तो करती है, तो कार की जो मिड रेंज है वो आपको अच्छी लग सकती है, बट सिटी ड्राइविंग में इट मे नॉट बी द बेस्ट. एंड नंबर टू, कार का जो सस्पेंशन है इसी को कॉम्प्लीमेंट करता है कि भाई हायर स्पीड पे थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन है, आपको मज़ा आ सकता है सस्पेंशन के साथ. बस सिटी ड्राइव में सच काइंड ऑफ स्टिफ सस्पेंशन कम्बाइंड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ लैग, वो पॉसिबली आपको उतना इंप्रेशन नहीं देगा. इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, पैसा आपका लगने वाला है, डू टेस्ट ड्राइव द कार सो एज टू एक्सपीरियंस इन. आपको फीचर्स अच्छे मिल सकते हैं, Hyundai की रिलायबिलिटी अच्छी मिलेगी, Hyundai की जो इंजन की मिड रेंज है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन सिटी ड्राइव में पॉसिबली वो थोड़ा सा आपको समझना होगा. तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी, आई थॉट टू शेयर विद यू. इफ इन केस यू लुकिंग टू इन्वेस्ट योर मनी, इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट मिस टू अपवोट इट. वीडियो को शेयर करिए एंड चैनल माय कार हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटोमोबाइल सेक्टर. थैंक यू.